Hey guys, welcome back to our YouTube channel. तो आज हम करेंगे पेंटिंग कालका माता की, वो भी गुलाल से. यस, ये होली स्पेशल वीडियो है जो कि मैं बाद में इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया आ नहीं रहा था नए वीडियो का. तो आप कमेंट में कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ के आइडियाज़ बताना. तो देखो, यहाँ पे मैंने अभी रेड और पर्पल लिया है. तो सबसे पहले मैं इनकी जो थोड़े ऑर्नामेंट्स हैं उनमें कलर कर दी हूँ और हेयर्स में कलर कर दी हूँ. अब जो जैसे कि इनके जो दुश्मन और एनिमीज होता है उनका जो फेस है उसके हेयर के लिए मैं हल्का सा रेड और मिक्स कर देती हूँ ताकि थोड़ा कलर अलग आ जाए, ताकि उनके हेयर में अंतर दिखे. तो मैंने ये जो फ़ोटो है वो गूगल से निकाली थी जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैं यही जो है बना रही हूँ. सो ये हमारा इतना तो हो गया हेयर वगैरह का. और ये जो त्रिशूल और तलवार वगैरह है उनमें भी मैं येलो और ब्लू पेंट करूँगी, तो उसके लिए मुझे गुलाल लानी पड़ेगी. तो मैं ये दो कलर की ले आऊँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट डे बाकी का कर देंगे. तब तक मैंने जो इनकी जो माला वगैरह है उस गार्लैंड में जो फेसेस है उसके भी हेयर उसी कलर से कर दिए. और अब इनके जो मेकअप वगैरह है तो उनमें भी मैं थोड़ा रेड वगैरह कर लूँगी ब्रश के तौर पर. सब मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय. सो अब मैं आ गई हूँ. मैंने यहाँ पे एक बात बतानी है आपको, यहाँ पे जो गुलाल सूखने के बाद उसका पाउडर बाहर निकल रहा था, पेंट रह रहा था, पाउडर निकल रहा था. तो मैंने पूरी ड्राइंग का पाउडर निकाल दिया और कलर वगैरह भी कर ही दिया था ज़्यादा. सो अब मैं हम बाउंड्रीज वगैरह कर देंगे कुछ मार्कर्स और पेंस की हेल्प से. सबसे पहले ब्लैक मार्कर से मैंने बाउंड्री कर दी हूँ. अब मैं ऑर्नामेंट्स वगैरह में भी करती हूँ. और जो पेन होते हैं उनकी हेल्प से हम इनर बाउंड्रीज और इनर डिटेल्स करेंगे, क्योंकि डिटेल्स से ही जान आती है यार पेंटिंग. तो यहाँ तक ये बहुत अच्छा हो रहा था. इनकी ड्रेसेस वगैरह में भी मैंने बाउंड्री कर दी, हैंड्स वगैरह में कर दी, फिंगर्स में कर दी, थोड़ा और भी लाइक अच्छे से उभर के आए जिससे वो. और जो इनके फेस का मेकअप वगैरह था उसमें भी मैंने कर दी, मैंने ब्लू कलर से करी ताकि थोड़ा अलग रहे. मैंने सोचा था इनके लाइक ब्लू ही कलर कराए तो इसलिए, तो फिर वो ज़्यादा जमा नहीं, बट हाँ स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. फिर मैंने पेन से करी आइज़ वगैरह में, क्योंकि मार्कर सूट नहीं हो रही थी तो पेन सूट हो रही थी तो इसीलिए. और फिर उसमें डिटेलिंग्स भी कर दी आइज़ वगैरह में और ऑर्नामेंट्स में भी डिटेलिंग्स की थी. और ये जो तीसरी आँख होती है उसमें भी करी. और हाँ गाइज, मैं वाइट कलर करना भूल गई, तो आप वो भी कर लेना. अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब.